हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है, आप सभी लोगों का स्वागत है जीतू सर की क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर द रैट ट्रैप के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसे देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाएं, क्लिक करें और वीडियोस को देखें, और आई प्रॉमिस यू सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं। आज हम आप लोगों को कराएंगे हमारी जो क्लास 12th सेकेंड टर्म सप्लीमेंट्री बुक विस्टास का चैप्टर नंबर 5, शुड विजार्ड हिट मम्मी। शुड विजार्ड हिट मम्मी आज हमारी एक चैप्टर का नाम है। इसके बारे में आज हम समरी करेंगे, उसको समराइज करेंगे और पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। So, यदि हो चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन एक प्रॉमिस है, शुरू से एंड तक, आई मीन बिगिनिंग से एंड तक आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है और सारी चीजें क्लियर होने वाली है। शुरू करें, यह भी चलो चलते हैं। विस्टास बुक का नाम चैप्टर नंबर 5, शुड विजार्ड हिट मम्मी। ठीक, रिटन बाय जॉन अपडाइक, पुलित्जर अवार्ड विनर, पुलित्जर अवार्ड विनर है। इनमें जो मेन कैरेक्टर्स इस चैप्टर के बारे में, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं आपको पहले बता दूं। मेन कैरेक्टर जैक, हु इज अ फादर, जैक लविंग एंड कंसर्न फादर, जैक एक कैरेक्टर है और लविंग एंड कंसर्न फादर है। जो इस स्टोरी में एक छोटी सी 4 ईयर्स ओल्ड एक लड़की है, एक गर्ल है, जिसका नाम है जो, हालांकि उसका पूरा नाम है जॉन, लेकिन थ्रू आउट स्टोरी में इसको जो के नाम से जाना गया। ये छोटी सी एक गर्ल है, डॉटर है, किसकी डॉटर है? जैक की डॉटर है। सो जो जैक्स 4 ईयर ओल्ड डॉटर, जो जैक की 4 ईयर ओल्ड डॉटर है। ठीक, रॉजर स्कंक इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, रॉजर स्कंक। रॉजर स्कंक गेट्स अ विजार्ड फॉर प्लीजेंट स्मेल, ये विजार्ड के पास जाता है अच्छी स्मेल के लिए। स्कंक जैसा कि आपको पता है कि एनिमल होता है, इसके बारे में भी हम आगे आपको डिटेल बताएंगे। ओके, नेक्स्ट मम्मी, किसकी मम्मी? रॉजर स्कंक की मां। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक दो कैरेक्टर की और बात करें, जैक, जैक की वाइफ जिसका नाम है, जिनका नाम है यहां पर क्लेयर, और इसका एक और बेटा है जिसका नाम है बॉबी। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, बहुत अच्छी स्टोरी है। जैक, जॉन्स फादर टोल्ड हर स्टोरी एवरी इवनिंग। जैक अपनी बेटी, अपनी डॉटर जो को एवरी इवनिंग हर शाम को स्टोरी सुनाता है। इट वॉज अ काइंड ऑफ कस्टम, ये उसकी एक तरह से उसकी डेली की मतलब रूटीन में शामिल था। बिना स्टोरी सुने जो सोती नहीं थी, डेली शाम को उसका फादर जो उसको स्टोरी सुनाता था, जैसे कि बेड टाइम स्टोरी सभी लोग सुनाते हैं। Every story was a variation of the basic tale, that is, a small animal, usually named Roger, had some problem. He went to old wise owl and advised him to go to the wizard. अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, स्टोरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। Every story, हर स्टोरी जैक अपनी डॉटर जो को सुनाता है। हर स्टोरी में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। क्या कॉमन होती हैं? हर स्टोरी में जो मेन रोल होता है उसका नाम रॉजर होता है। वो अपने मन से कोई भी स्टोरी अपने मन से वो बनाना चला जाता था, लेकिन हर स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर का नाम रॉजर होता था और एक स्मॉल एनिमल लेता था। जैसे किसी दिन स्टोरी में रॉजर फिश, रॉजर रैबिट, रॉजर लायन, रॉजर एलिफेंट, कोई ना कोई एनिमल उसका नाम रॉजर रख देता था। ये हर स्टोरी में होता था। और क्या होता था? उस रॉजर एनिमल को प्रॉब्लम होती थी। क्या होती थी? प्रॉब्लम्स होती थी। जब उसको प्रॉब्लम होती थी तो वो कहाँ जाता था? ओल्ड वाइज आउल के पास, ओल्ड वाइज आउल के पास जाता था, और आउल फिर उसको क्या रास्ता बताता था? विजार्ड के पास जाने के लिए। फिर वो रॉजर नाम का जो एनिमल है वो विजार्ड के पास जाता था, और विजार्ड फिर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता था और बदले में फीस लेता था, और फीस में कुछ फीस कम पड़ जाती थी। फिर रॉजर उसको कहता था मेरे पास इतनी फीस कम है। फिर हर स्टोरी में विजार्ड रॉजर को कहता था कि बाकी की जो फीस है यहां से चले जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, फिर वहां से बाकी के पैसे मिलेंगे। वो लेके आता था, वापस सारी फीस दे देता था विजार्ड को, और फिर रॉजर खुशी खुशी अपने घर आता था, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, अपनी फैमिली के साथ डिनर करके फिर सो जाता था। ये हर स्टोरी का कॉमन थीम रहता था।
हर स्टोरी का। और कोई स्टोरी ऐसी नहीं होती थी, जैक अपने मन से खुद कहानियां बनाता था अपनी बेटी के लिए, एंड ऑलमोस्ट ही वॉज रनिंग डाउन विद द स्टोरीज, क्योंकि लगभग पिछले 2 ईयर्स से, पिछले 2 साल से उसकी बेटी कहानी सुनती चली आ रही है, और उसकी बेटी इसमें 4 ईयर्स की हो गई है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अब आगे की बात करते हैं। विजर्ड सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो मैंने बात अभी आपको बताई, जरा ध्यान से देखना, एवरी स्टोरी, हर स्टोरी में जो मेन करेक्टर रॉजर के नाम का होता था, फिर विजर्ड सॉल्व प्रॉब्लम्स, आस्क फॉर फीस, विजर्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, फिर फीस मांगता था, फेल शॉर्ट, फीस कम पड़ जाती थी, फाउंड द मनी, पेड द विजर्ड, वेंट होम एंड हैड लवली डिनर विद फैमिली। हर स्टोरी में फीस कम पड़ जाती थी और विजर्ड ही फिर उसको रास्ता बताता था कि यहां से जाओ, बाकी की फीस लेके आओ, लेके आता था, उसको पे करता था, फिर रॉजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, फिर खुशी खुशी अपने घर जाता था, डिनर करके फैमिली के साथ सो जाता था। अब आगे की बात करते हैं। नाउ स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सैटरडे इवनिंग, जो यूजुअल मैन वॉन्टेड टू स्कंक अ फ्रेश हीरो ऑफ द स्टोरी, एक बार फिर से सुनना। सैटरडे इवनिंग, जो यूजुअल मैन वॉन्टेड अ स्कंक अ फ्रेश हीरो ऑफ द स्टोरी। आज फिर से सैटरडे इवनिंग का टाइम है। जो ने अपने फादर जैक से कहा, फादर एक स्टोरी सुनाओ, तो फादर ने पूछा आज क्या करेक्टर लू मैं, आज कौन सा एनिमल लू। सडनली उसने कहा स्कंक। स्कंक क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो, स्कंक के बारे में आपको मैं बता दूं। स्कंक इज अ काइंड ऑफ एनिमल, इट इज अ मैमल एक्चुअली, ये मैमल होता है और ये बहुत ही स्टिंकी स्मेल, बहुत ही फाउल स्मेल निकालता है। और स्मेल कहां से निकलता है, इसके एनल ग्लैंड्स होती हैं, वन पेयर ऑफ एनल ग्लैंड्स, और वहां से वो स्प्रे करती है, बहुत ही बदबूदार, बहुत ही फाउल स्मेल वहां से निकलता है, इवन अप टू 12 फीट, 12 फुट तक की वो स्मेल जा सकती है, दूर तक, बहुत ही फाउल स्मेल होती है, इवन इतनी फाउल स्मेल की मतलब ये उनका डिफेंस सिस्टम है, अपने आप को बचाने का तरीका है। तो स्कंक एक एनिमल होता है जो कि जिसका फर ब्लैक एंड व्हाइट होता है, आप उसके बारे में जान सकते हो। ठीक, तो आज जो ने कहा पापा, फादर, आज स्टोरी का और जो एक्टर है, जो स्टोरी का जो मेन लीड है स्कंक लो, तो आज उसके फादर जैक ने स्टोरी का जो लीडर एक स्कंक लिया। अब स्टोरी में जो मेन लीड किसका हो गया, रॉजर स्कंक। क्या नाम हो गया, रॉजर स्कंक। वो देखते हैं, रॉजर स्कंक स्मेल वेरी बैड, क्रीचर लोथडिंग कॉलिंग स्टिंकी स्कंक। सारे क्रीचर्स, रॉजर स्कंक एक छोटा सा स्कंक था, बहुत फाउल स्मेल आती थी जब वो खेलने जाता था फॉरेस्ट में, तो बाकी जो क्रीचर्स के जो छोटे छोटे बेबीज होते थे, बच्चे होते थे, वो उसे दूर भागते थे, और उसको किस नाम से बुलाते थे, उसको स्टिंकी स्कंक के नाम से बुलाते थे, ये बहुत बदबूदार वाला स्कंक है, और सारे भाग जाते थे, उसके साथ कोई नहीं खेलता था। फेल्ट वेरी बैड, नो फ्रेंड्स, जो अपसेट जैक हैप्पी, बेचारा बहुत दुखी होता था, कौन, रॉजर स्कंक, क्योंकि सारे एनिमल्स के जो जो क्रीचर्स हैं, वो सारे बेबीज, उनके सारे बच्चे भाग जाते थे, कोई उसके साथ नहीं खेलता था। लेकिन जो, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, वो अपसेट हो जाती है, सैड हो जाती है, लेकिन उसका फादर खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरी जो मेरी डॉटर है, हर स्टोरी में पहले से वो प्रेडिक्ट कर देती थी, ये होने वाला, वो होने वाला, लेकिन आज वो बहुत खुश है, यार मेरी बेटी परेशान है, आज स्टोरी सुनाने में बड़ा बहुत मजा आएगा, आज मैं लीड करूंगा। नाउ व्हाइल नरेटिंग स्टोरी, जैक हर्ड अ चेयर स्क्रैप डाउनस्टेयर्स, वांटेड टू हेल्प क्लेयर, हिज प्रेग्नेंट वाइफ फेसेस डायलेमा। ध्यान से सुनना बेटा ये वाली लाइन। व्हाइल नरेटिंग स्टोरी, जैक हर्ड अ चेयर स्क्रैप डाउनस्टेयर्स, वांटेड टू हेल्प क्लेयर, हिज प्रेग्नेंट वाइफ फेसेस डायलेमा। जैक जब जो अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा होता है, तो उसको आवाज, नीचे वाले फ्लोर से उसको आवाज आती है, चेयर के घसीटने की आवाज आती है। वो आवाज क्या होती है, जैक की वाइफ क्लेयर। जैक की वाइफ क्या नाम होता है बेटा, क्लेयर। क्लेयर नीचे फर्नीचर पेंट कर रही होती है, और जैक वांटेड टू बी देयर, जैक वांटेड टू हेल्प हर, लेकिन वो क्या करे, अपनी बेटी को कहानी सुना रहा होता है बेटा, तो वो जा भी नहीं सकता। अब उसके पास, नाउ ही हैज बीन फेसिंग ग्रेट डायलेमा। नेक्स्ट, रॉजर स्कंक वेंट टू वाइज आउल एंड हु एडवाइज्ड रॉजर टू विजिट द विजार्ड। अब इसके बाद क्या कहानी होगी, स्टोरी प्रिडिक्टेड है, एकदम प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल कैसे, रॉजर स्कंक को प्रॉब्लम है, तो अब कहां जाएगा बेटा, वो कहां जाएगा रॉजर स्कंक, तो वहीं गया, ओल्ड वाइज आउल के पास गया, और ओल्ड वाइज आउल ने रॉजर स्कंक को बताया कि तुम विजार्ड के पास जाओ, वो तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, एज यूजुअल इन एवरी स्टोरी। सो
Rajasthan went wise owl who advised Roger to visit the wizard. Joe shot a question of magic spell were real. Jack didn't like this. During this time, अब क्या करा Joe ने Jack से अभी question पूछना शुरू कर दिया. लगभग पिछले एक या दो महीने से, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही थी. इसके पहले जो भी स्टोरीज जैक सुनाता था उसकी बेटी जो आराम से सुन लेती थी, लेकिन पिछले एक दो महीने से अब उसके अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है. अब वो क्रॉस क्वेश्चन करने लगी है. तो जो ने पूछा, पापा मैजिक स्मेल्स क्या सही होते हैं, रियल होते हैं? और कभी कभी पूछ दी कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान होते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगी. और इस तरह के क्वेश्चनिंग को जैक को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि he wanted to lead the story according to himself. ठीक है, आई बात समझ में. he wanted to dominate over his daughter. उसके बाद Roger Skunk reached the wizard house, asked Roger what he wanted to smell like. Roger Skunk फिर wizard के घर पहुंचा और वहां पर जाके wizard ने उससे कहा, नहीं दूर रहो क्योंकि उससे foul smell आ रही थी. फिर उसके बाद विजार्ड ने रॉजर स्कंक से पूछा कि तुमको कौन सी स्मेल चाहिए. सो ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस. चैंटेड मैजिक स्मेल. रॉजर स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस. रॉजर स्कंक ने कहा, मुझे रोजेस की स्मेल चाहिए, मुझे रोज जैसी स्मेल चाहिए. फिर उसके बाद विजार्ड ने चैंटेड सम मैजिक स्पेल, कुछ अपना जादू किया और फिर जो रॉजर स्कंक है उसकी बॉडी से रोज की स्मेल आनी शुरू हो गई. जैक मिस्टेकनली रेफर टू रॉजर स्कंक एज रॉजर फिश. मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, क्योंकि देखो बेटा ये समरी है, समरी इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए, मुझे पता है. क्योंकि बेटा एक पूरा चैप्टर जो कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, आपको बताया था कि एक पूरा चैप्टर जो कम से कम स्कूल में मैं भी पढ़ाता हूँ एज अ टीचर, तो एक चैप्टर, इस चैप्टर को कम से कम तीन या चार, थ्री या फोर लेक्चर्स लग जाते हैं. और उसी को मुझे विद इन 20 मिनट्स आपको वीडियो बनानी है. तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी समरी दूं, लेकिन साथ में कोई पॉइंट छूटे ना. इन केस एग्जाम में ऐसा नहीं कि बस छोटे सी आपको मैं समरी दे दूं और बहुत सारे पॉइंट्स उसमें छूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा. इसलिए मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा कि जैक अपनी बेटी को जब कहानी सुना रहा था, तो बीच में एक जगह उसने रॉजर स्कंक क्या बता दिया, रॉजर फिश क्या बता दिया, रॉजर फिश बता दिया. तो उसकी बेटी वहां पर उसको करेक्ट करती है, नो डैडी दिस इज रॉजर स्कंक. ठीक. विजार्ड आस्क्ड 7 पेनीज. रॉजर हैड 4 एंड एंड ऑफ द लेन टर्न 3 टाइम्स, लुक डाउन मैजिक बेल एंड फाउंड 3 पेनीज. जब विजार्ड ने उसे फीस मांगी, फी कितनी थी, 7 पेनीज. कितनी फीस मांगी, 7 पेनीज. लेकिन उसके पास, रॉजर स्कंक के पास ओनली 4 पेनीज थी. तो बाकी की पेनीज 3 पेनीज के लिए रॉजर ने कहा, मेरे पास नहीं है. तो हमेशा की तरह, हर स्टोरी की तरह, विजार्ड ने रॉजर से कहा कि यहां से एट द एंड ऑफ द लेन गो देयर और वहां से 3 टर्न्स आप घूमो, फिर वहां पे एक मैजिक वेल आएगा, वहां पे देखो आपको रेस्ट ऑफ द 3 पेनीज मिल जाएंगे. फिर गया वहां से लाके उसने पूरे पैसे दे दिए. ठीक, 7 पेनीज दे दिए उसको. अब आगे की बात करते हैं क्या होता है. Hopefully, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे. स्टे ट्यून, ठीक है बेटा. पूरी वीडियो देखोगे बेटा तभी समझ में आएगी. और आप लोग जरूर, जैसे अगर वीडियोस में अगर आपको कोई सजेशन देना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई YouTube चैनल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई वीडियोस, आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम है. ठीक है बेटा, चलो चलते हैं. Now all the creatures like to play with Roger's smell so good. अब जैसे ही वो roses की smell लेके Roger Skunk जैसे ही आता है, बाकी क्रिएचर्स के जो बेबीज होते हैं उसके साथ खुशी खुशी खेलते हैं, खूब खेलते हैं. उस दिन उसको बहुत मजा आता है. रॉजर रीच्ड होम. मदर गॉट वेरी एंग्री. न्यू स्मेल वाज अवफुल. उसके बाद शाम हो गई. रॉजर स्कंक अपने घर गया, वेंट टू हिज होम. और फिर जब उसकी मदर ने देखा कि उसकी बॉडी से रोजेस की स्मेल आ रही है, शी गॉट एंग्री. वो बहुत गुस्सा हो गई और उसने रोजेस की स्मेल को क्या बताया, पता क्या बताया, वाज अवफुल. बहुत ही बदबूदार रोजेस की स्मेल को. और रोजेस की स्मेल को रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा, एवफुल, बहुत गंदी बदबू. ठीक है, शी टुक रोजर टू विजार्ड बैक एंड हिट द विजार्ड ओवर हिज हेड. फिर क्या हुआ, रोजर स्कंक की जो मदर रोजर स्कंक को लेके विजार्ड के पास गई एंड हिट ओवर हिज हेड, उसके सिर पे मारा. जैसा कि हमारी स्टोरी का जो टाइटल है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, उसने उसकी मम्मी ने विजार्ड के हेड पे मारा, हिट किया. फिर
उसके बाद आई एम आस्क्ड टू गिव रोजर स्कंक हिज ओरिजिनल स्मेल बैक, और रोजर स्कंक की मदर ने उसको बताया, किसको बताया, विजार्ड को बताया कि उसकी जो ओरिजिनल स्मेल है, जो स्टिंक की स्मेल है, वापस करो उसको। जो वाज सरप्राइज्ड, जो अब जो स्टोरी सुन रही थी, छोटी सी बच्ची 4 ईयर्स की है, उसका दिल कितना मासूम है, उसकी सोच कितनी मासूम है, वो इनोसेंट बेबी है। जो वाज सरप्राइज्ड, जो सरप्राइज हो गई, मदर स्कंक वाज रॉन्ग, उसको लगा कि मदर स्कंक रॉन्ग है, उसने विजार्ड को सर पे हिट क्यों किया, जबकि विजार्ड ने तो बहुत अच्छा काम किया था। मदर स्कंक वाज हैप्पी, ऑल एनिमल्स गॉट यूज्ड टू हिज स्मेल एंड हिजंस। ये दिस पॉइंट बेटा, दिस पॉइंट ध्यान से सुनना, इस चैप्टर का न्यूक्लियस है ये, इस चैप्टर को की जान है ये लाइन, ध्यान से सुनना। मदर स्कंक वाज हैप्पी, वापस उसकी फाउल स्मेल, विजार्ड ने दोबारा उसकी फाउल स्मेल वापस उसको कर दी, अब मदर स्कंक बहुत खुश हो गई। एंड मदर स्कंक वाज हैप्पी, ऑल एनिमल्स गॉट यूज्ड टू हिज स्मेल। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जो बाकी के जो क्रीचर्स हैं, जो क्रीचर्स हैं उसके साथ खेलने लगे, किसके साथ, रॉजर स्कंक के साथ खेलने लगे, क्योंकि धीरे 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 उनको उस स्मेल की आदत पड़ गई, उनको उस स्मेल की आदत पड़ गई। तो सिंपल सी बात है बेटा, इस चैप्टर का जो थीम है, इस चैप्टर की थीम ये है कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी। रॉजर स्कंक, स्कंक एनिमल, मैंने आपको बताया स्कंक की आइडेंटिटी क्या है, फाउल स्मेल, स्टिंकी स्मेल, बहुत ही बदबूदार, लेकिन वही उसकी आइडेंटिटी है, और वही आइडेंटिटी उसके मदर को बहुत अच्छी लगती है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी, वेदर यू आर हिंदू, वेदर यू आर मुस्लिम, वेदर यू आर सिख, आप किसी भी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट, यू शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग ऑफ योर सोसाइटी, आपको उस सोसाइटी का पार्ट है, आपको प्राउड होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इस स्टोरी का यही थीम है कि जो रोजर स्कंक है वो रोजेस की तरह स्मेल करता है, लेकिन उसकी मदर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। तो दैट्स व्हाई हम, आप कोई कहीं से भी बिलोंग करता है, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड। हमको हमारे रिलीजन पे, हमको हमारे धर्म पे, हमको हमारी लैंग्वेज पे, हमको हमारी पहचान पे, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। वो हमारी आइडेंटिटी होती है, वो हमारी एंटिटी होती है, हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान होता है। और ये बात और जो नहीं समझ रही है, और ये बात जैक समझता है, और ये बात उसको समझाना चाहता है, लेकिन छोटी सी बच्ची समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको तो हैप्पी एंडिंग चाहिए होती है। आगे देखते हैं, जो आस्क जैक टू चेंज द थीम ऑफ द स्टोरी, जो छोटी सी बच्ची होती है 4 ईयर्स की, अपने फादर से कहती है कि फादर दिस इज नॉट गुड। मदर स्कंक ने विजर्ड के सर पे क्यों मारा, क्यों हिट किया, वापस होना चाहिए, विजर्ड को उसकी मम्मी को हिट करना चाहिए। आप ऐसी स्टोरी सुनाओ, आप जो स्टोरी की थीम चेंज करो, जो अपने फादर को जिद करती है कि आप स्टोरी की थीम चेंज करो, आप स्टोरी में बताओ कि विजर्ड ने स्कंक की मदर को हिट किया, लेकिन उसका फादर रेडी नहीं है, क्योंकि उसका फादर उसको बताना चाहता है। ठीक, जैक सेड मदर स्कंक न्यू what was right for her baby. Jack उसको बताता है जो अपनी बेटी को, कि एक मदर अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, वो अच्छे से जानती है, और मदर ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। Jack felt guilty. He could not convince his daughter and his wife seemed to be upset with him. At the end of the story, एक और यहाँ पर moral आता है, एक और theme यहाँ पर बन के आती है, at the end of the story. Jack, वो बहुत वो दुखी है, he's a sad man, बहुत दुखी है। The reason is that at the end of the day, मतलब story के end में, जब उसकी बेटी को अपने सुला लेता है, वापस नीचे आता है, तो देखता है कि उसकी wife Claire सारे furniture को paint कर चुकी होती है। अब वो निराश होता है, क्योंकि वो एक अच्छा husband भी नहीं बन पाया उस time, क्योंकि वो अपनी wife की help करना चाहता था furniture को paint करने में, लेकिन उसको भी नहीं कर पाया। उसकी wife उससे नाराज है, और एट द सेम टाइम अपनी बेटी जो को भी वो कन्विंस नहीं कर पाया स्टोरी के लिए, तो इस तरह से वो थोड़ा दुखी है। इस स्टोरी में, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इट शोज दैट अ ग्लिम्स ऑफ मैरिटल टेंशन। इसमें ये भी दिखाया गया कि शादीशुदा इंसान किस तरह से उसकी लाइफ में कैसे टेंशन होती है, वो सबको सेटिस्फाइड करना चाहता है, इधर से भी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर की समरी को मैं यहीं पर खत्म करूंगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी का जो एक्सट्रैक्ट है, इस स्टोरी की जो थीम है,
उसमें यही है, यू शुड यू मस्ट मेंटेन योर आइडेंटिटी. आपको अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी चाहिए. इट डजंट मैटर फ्रॉम विच एरिया डू यू बिलोंग, आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, कौन से रिलीजन आप प्रैक्टिस करते हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इस तरह से मैंने जो चैप्टर है शुड बिजार्ड हिटमामी मैंने बेटा आपके सामने एक्सप्लेन किया, इसकी समरी दी. उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. ठीक, थैंक यू. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.